देखिए फ्रेंड्स, इस तरह यहाँ पर रोटियां डाल के देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह रखी है। और यहाँ पर लेमन रखा है, लेमन के बगैर मछली अच्छी नहीं लगती। हरी मिर्चें थोड़ी सी तलेंगे। और ये देखें, सिस्टर ने बनाई है लाल लोबिया, देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। अभी मैं दिखाता हूँ, चीरे वाली जो है, चाशनी वाली अगर लोबिया बने ना तो बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए हमारा बैच भी तैयार हो गया। बोलो शाम का टाइम है। देखिए शाम के टाइम में सिस्टर ने चढ़ाए हुए देसी अंडे उबालने के लिए, और साथ में हम बना रहे हैं अच्छी सी सोइयां। सोइयां एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ज्यादा हमारे घर में खाई जाती है, दूध वाली सोइयां, और मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये वाली सोइयां बना रहे हैं, नेशनल वाली, नेशनल वाली सोइयां, और पर दूध में बनाएंगे, ठीक है, टेट्रा पैक वाले में। खुले में जो है हम नहीं पीते, हालांकि खुला दूध ये फ्रेश आया है, अभी निकालना है, पीते हैं, मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं और सिस्टर ज्यादातर प्रेफर करते हैं पैकेट वाले दूध से सोइयां। ये ले लो एक पीन छोटा। तो देखिए पानी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे सोइयां। यस, बहुत ज्यादा सोइयां थोड़े थोड़े में भी, बस दो इसको हमें डिवाइड करेंगे और डाल देंगे, ठीक है। एक पैकेट पूरा नहीं होता, दो डालेंगे। अगर सोइयां कम हो, दूध ज्यादा हो ना, तो सोइयां बेकार जी। और ये दूध ज्यादा है ना, इसलिए दूध डेढ़ लीटर है ना, टेट्रा पैक वाला। आई हो गए अंडे, अंडे देखे देसी उबालने के लिए रखे हुए, उनका पानी फौरन बदल लेंगे, क्योंकि जब अंडे हो जाए ना तो फिर अगर गर्म पानी में छोड़ देंगे ना तो वो दोबारा से पकते रहेंगे। देखो बिल्कुल फ्रेश अंडे, और साथ में चाय का पानी चढ़ा देते हैं ताकि सोइयां चाय और अंडे चाय के साथ साफ करें। जी जी रेडी है। Thank you.
तो देखिए फ्रेंड, इधर सोइयां पकती हैं, उधर जो है कावा करना है अच्छे से। इसमें डालेंगे हम क्या चीज, दूध। दूध डालेंगे, चाय तैयार करते हैं अच्छी सी। तब तक हम क्या करते हैं, आज हम बना रहे हैं फिश। फिश को मैरिनेट कर देते हैं, और सिस्टर ने इसके अलावा डिनर में बनाया हुआ है लाल लोबिया है ना? ये देखिए, ये फिश के इंग्रेडिएंट्स है। और इधर अंडे भी पड़े हुए हैं, अंडे भी छीलते हैं। बस चाय जैसे ही साफ करेंगे ना, फिर अंडे छीलते जाएंगे। तब तक मैं कह रहा हूँ फिश जो है मैरिनेट कर रहे हैं ना, मैरिनेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा उसे टाइम मिल जाए ना। ठीक है, यस। जब तक चाय टाइम कंप्लीट होगा उसे टाइम मिल जाए। लहसुन 3 है बड़े,
पिंक सॉल्ट, ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है ना। यस सॉल्ट यही डाल देते हैं इसके अंदर। बोली आ रही है ये गरम मसाला मुझे यहाँ नहीं है नॉर्मल। Thank you.
फ्राई करनी है। थोड़ी देर तक करते हैं ना, मैं नेट रहे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, फिश मैरिनेट होगी। ये देखिए इस तरह से सिस्टर ने कितनी अच्छी मसल के मैरिनेट कर दिया। अब इसको मैरिनेट करने के लिए इस तरह से कोई कवर ले लें उससे, और आप करके तकरीबन 2-3 घंटे फ्रिज में मैरिनेट करके छोड़ दें। ठीक है। और उधर हमारी सेवियाँ भी हाफ डन होगी, कुक होगी अच्छे से। उस पर डाल देंगे चीनी मीठा, ठीक है। यस, उसे पकड़ा नहीं जाता। दरमियाना मीठा डालूंगा, बाद में जिसको चाहिए होगा वो अपना टेस्ट कर लूंगा। यस यस बराबर। यस यस तरफ चीनी पे पक जाए थे मिलते। का मंडी छीन लेते हैं बताओ।
डालनी है अंडों जी? काली मिर्च डाल दो अंडों में, ब्लैक पेपर डाल दो, पापा के भी तो डाल दो, लड़के में डाल दो ब्लैक पेपर और सॉल्ट। कम डालना थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालना। साथ में आज चाय के साथ अंडे हैं, चाय है और साथ है सोया। यस सोया। दूध भी उबलना है। ताकि ये दूध हटेगा, स्पेस बन जाए, है ना जी भाई? सेवियां बांटते जाएंगे। ये आपकी, अच्छा याद रखना। yes, yes. और ये वाली साफ की, ये वाली ठीक है? ये वाली ठीक है, ठीक है भाई। ये अब इधर होगी, याद रखना जरा ये वाली, अच्छा और बन गई ना सेवियां। अब बांटेंगे सेवियां। ये क्या क्रीमी लुक आई है ना। यस भाई।
चलो जी अब सर्व करेंगी सिस्टर चाय सेनिया और उबले हुए अंडे। अंडे इसमें थोड़ी सेनिया कम लग रही है, हो जाएगी चलो मेरा बेटा सर्व करो सबको। टी टाइम कंप्लीट हो गया, अब हम आ रहे हैं कि मछली फ्राई करें। मछली को भी तकरीबन 2-3 घंटे मिल गए मैरिनेट हुए हैं। और ये देखिए मैरिनेट हुई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो फिश वाला पानी है ये ले लेंगे सारा, ठीक है, मसाला और पानी, ठीक है। इसमें क्योंकि हमने क्या करना है बेसन घोलना है, ठीक है। ये बाकी हमारे पास फिश रहेगी, इसको मिक्स कर लेते हैं। अब क्या अमल करेंगे, इसको हम फ्राई करते जाएंगे, ठीक है। और सिस्टर ने एक तरफ तवा रख लिया और दूसरी तरफ तेल गर्म होने के लिए रखा है। अब हम बेसन की कोटिंग तैयार कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होगी, पतली सी कोटिंग होगी इसकी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे बेसन की कोटिंग में, ताकि इसका मजेदार सा टेस्ट आ जाए, ठीक है। ये और इसमें जाएगा यस थोड़ा सा सॉल्ट, ये क्या, और इसको हम बीट कर लेंगे, ठीक है। आप एग भी डाल सकते हैं, एग से ये होता है ना क्रंची कोटिंग होती है, ठीक है। एक पतला सा गोल रेडी कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, पतला होगा ये, बस हमें बेसन की कोटिंग चाहिए ऊपर से। देखिए हमने पानी का भी यूज किया ना, तो सारा लहसुन प्याज का वो पानी था, अदरक का, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पानी था, है ना। yes. और मसाले भी थे, वो भी यूज हो गए हमारे, हमारा
तो देखिए फ्रेंड्स, फिश भी फ्राई हो रही है और साथ में तवा रखा हुआ है। और सिस्टर देखिए अब रोटियां बनाती जा रही हैं साथ साथ। पहले पेड़े बना लेंगी, ये देखिए एक पेड़ा बनाकर भी रखा हुआ है। और देखिए आटा माशाल्लाह कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले पेड़े बना लेंगी, फिर रोटियां डालना आसान हो जाता है ना, है ना? यस। ठीक है। और सिस्टर ने आज डिनर में जो है लाल लोबिया, रेड लोबिया जो है पका के रखी है, तड़का दिया हुआ है। जी, मैंने तड़का भी दिया। जी, तड़का भी हुआ है। और आज डिनर में है लाल लोबिया, फ्राइड फिश और रोटियां। सिस्टर ने रोलिंग पिन ले ली है और रोटियां बेलना शुरू कर दी है ना। यस। ये आटा मैंने फिर से निकाला ना, इसकी थोड़ा सा वो होगा, साफ तो हुआ है, ये थोड़ी देर बाद ना नरम हो जाता था। यस। ना बड़ी कर दी, छांड दी है। यस। यहाँ से हम लेंगे लेंगे टोंग। यस। चुम्टा। यस। जिसे अभी एक तरह से सकाई हो जाए, फिर दूसरी तरह से टोंग। यस। इसमें हम दूसरी रोटी पे लेंगे। यस। देखिए पहली रोटी तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अब आटा नरम हो गया।
इसलिए ज्यादा बड़ी बनी है ना। फिश को भी पलटी करने का टाइम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, मछली जो है एक तरफ से अच्छे से सिक गई है। अब ये देखिए, इसको साइड को चेंज कर रही हूँ। अच्छा, मैं पहले इसे पलट दिया। इसका का ध्यान जो है अपनी रोटी की तरफ जाता है ना। यस, एक तरफ से कोको होगी, अब इस तरफ से आराम से कोको आने दे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर इसी तरह से ना सारी रोटियां डाल लेती है, इस तरह से रखती है सिस्टर, और फिर इस तरह से फोल्ड कर देती है ना। yes. तो सिस्टर डाल लेती है रोटियां और मैं फ्राई कर लेता हूँ सारी फिश, फिर मिलते हैं आपको। रोटियां चना का यही होता है कि अगर अच्छे कलर होंगे तो अच्छे लगेंगे। yes. वैसे नहीं अच्छे लगते। ये भी डालते हैं। देखिए, अगर बेसन का घोल ना पतला हो जाता है तो इसमें यही मसाला उठा के डाल देते। वैसे मैं और सिस्टर ना, ये जो मसाला आखिर में बचता होता है ना मछली वाला, yes, इसके चिप्स बना लेते हैं। इसमें आलू डाल के फिंगर फ्राई जो है चिप्स डाल लेते, बहुत टेस्टी बनते हैं उस तरह में। देख लो, एक ही दफा डाल दो। है काम है। यस, ये लेने देना। ये जो मसाला है इसमें हम आलू फ्राई कर सकते हैं। करोगे? ये देखिए, गरम गरम पे आप ऐसे करेंगे ना, ये लेमन छिड़केंगे।
एक ये लेमन के ऊपर जाएगा चाट मसाला, ठीक है? यस यस, ठीक है। अब ये जो सिस्टर है ना, ये वाली हरी मिर्ची जो है डिप कर लेंगे पत्ते छोले में, ठीक है? अच्छा ठीक है। जो मसाला है हम ले लेते हैं, क्योंकि बारीक मिर्च है, डिप करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसमें प्याज के रिंग भी आप कर सकते हैं छोटे करने के बाद। ये वाली मिर्चें हम इसमें डाल देंगे, ठीक? यस। ये अब हम फ्राई कर लेंगे, ठीक? फ्रेंड्स, सिस्टर ने लोबिया कितनी अच्छी बनाई है। देखिए लोबिया इस तरह चाशनी वाली होनी चाहिए, देखिए। यस माशाल्लाह। लो इस पर साथ में फिश सर्व करेंगी, तो वो चीजें सर्व करती जाती हैं ना जी भाई। चलो अब आप सर्व करो बेटा, मेरा लो ऐसे क्लिक। लोबिया भी रखते हैं, चलो।